विराट ब्रिगेड के स्टार खिलाड़ियों को बड़ा झटका, नहीं किया प्रदर्शन तो टीम से होगा पता साफ। टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर एमएस के प्रसाद ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में प्रदर्शन न करने की वजह कई बड़े चेहरों को टीम से छुट्टी हो सकती है। प्रसाद ने कहा कि अगर टीम के खिलाड़ी के प्रदर्शन के स्तर में सुधार नहीं हुआ तो जल्द ही नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। गौरतलब है कि इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को 1-4 से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद टीम के खिलाड़ियों की चौतरफा आलोचना हुई थी। पूर्व दिग्गजों ने न सिर्फ टीम के मुख्य बल्लेबाजों बल्कि कप्तान कोहली समेत कोचिंग स्टाफ और चयन समिति पर भी सवाल या निशान दागे थे। एमएस के प्रसाद ने कहा कि अगर उच्च श्रेणी के खिलाड़ी टीम के लिए प्रदर्शन करने में असफल हो रहे हैं तो हम आने पर डोमेस्टिक क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने अपने स्किल ने सभी को चौंकाया है। ऐसे में उन खिलाड़ियों को ऐसे समय में मौका न देना बेईमानी होगी। उन्होंने बताया कि एशिया कप में कप्तान विराट कोहली को आराम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले दूसरे अन्य खिलाड़ियों को भी आराम दिया जाएगा। प्रसाद ने ओपनरों को बचाव करते हुए कहा कि इंग्लिश टीम के ओपनर बल्लेबाज भी इस दौरे पर पूरी तरह फ्लॉप हुए हैं। तीसरे और पांचवें नंबर पर पुजारा और रहाणे के पास काफी अनुभव है। उन्होंने कुछ मौकों पर अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन वे इससे भी बेहतर कर सकते हैं। बता दें कि ओपनर शिखर धवन, मुरली विजय और लोकेश राहुल इंग्लैंड में संघर्ष करते नजर आए थे। हालांकि लोकेश राहुल ने आखिरी टेस्ट में सेंचुरी लगाई थी। प्रसाद ने कहा, मुझे लगता है हमारी फास्ट बॉलिंग यूनिट ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और 5 टेस्ट में 60 से अधिक विकेट हासिल किए। यह साबित करता है कि हमारे खिलाड़ी कितने फिट हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन उनसे हमें निराशा मिली।